प्रभु की जय हो। परमेश्वर के वचन की खोज के एक और पाठ में आपका स्वागत है। हम बाइबल की मूल बातें नामक श्रृंखला में हैं। इस श्रृंखला में 8 अलग अलग पाठ हैं। आज हम पुराने नियम के संगठन के भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आप वीडियो पसंद करते हैं और इस श्रृंखला के पाठों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करना न भूलें। हमारे साप्ताहिक रविवार स्कूल सत्र में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है। मीटिंग के समय और लिंक की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। आइए हम शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, आज जब हम पुराने नियम की कुछ पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, तो उन्हें और अधिक समझने में हमारी सहायता करें। हम इस प्रार्थना को यीशु के अनमोल नाम से पूछते हैं, अमीन। क्या आपको हमारे पिछले पाठ से ये श्रेणियां याद हैं, जिन्हें बाइबल का संगठन कहा जाता है? आज हम पुराने नियम की अंतिम 2 श्रेणियों, प्रमुख और लघु भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को देखने जा रहे हैं। भविष्यवक्ता परमेश्वर के प्रवक्ता और उसके लोगों के बीच मध्यस्थ थे। भविष्य की घटनाओं या संभावित परिणामों का ज्ञान आमतौर पर दर्शन या सपनों के माध्यम से आया और उपदेश, लेखन और प्रतीकात्मक कार्यों के माध्यम से पारित हुआ। साथ ही क्या आपको हमारे पिछले पाठों की यह बाइबल समयरेखा याद है? 16 भविष्यद्वक्ता यशायाह से मलाकी, जिनके लेखन हमारे पास आए हैं 4 शताब्दियों के दौरान, लगभग 800 से 400 BC तक जीवित रहे। इजराइल का राज्य उत्तरी और दक्षिणी राज्य में विभाजित था, और इन भविष्यद्वक्ताओं ने इन दोनों राज्यों में से किसी एक या दोनों राज्यों के लोगों से भविष्यद्वाणी की। यशायाह को सबसे महान लेखन भविष्यद्वक्ता माना जाता है। उनकी पुस्तक में आने वाले न्याय और मसीहा के माध्यम से उद्धार के बारे में बात करते हुए 66 अध्याय हैं। यशायाह 53 में हमारे पास मसीहाई भविष्यवाणियां हैं। यिर्मयाह को रोते हुए भविष्यद्वक्ता के रूप में जाना जाता है। उसने यहूदा के दक्षिणी राज्य के लोगों से भविष्यवाणी की, उन्हें पाप से फिरने और प्रभु को गले लगाने का आग्रह किया। किसी बात पर विलाप करने का अर्थ है उस पर शोक करना, और यिर्मयाह एक उदास चरित्र था। यरूशलेम को नष्ट कर दिया गया और यहूदियों को पराजित किया गया और उन्हें बेबीलोन की बंधुआई में ले जाया गया। विलाप गीत की पुस्तक यिर्मयाह के रोने की कहानी कहती है। यही यहेजकेल कैद के दौरान लिखता है। उसका संदेश उन यहूदियों के लिए है जो बाबुल में बंधुआई में विस्थापित हुए हैं। उसका संदेश था कि परमेश्वर अपने लोगों को पुनर्स्थापित करेगा, वह उन्हें बंधुआई से छुड़ाएगा और उनके देश को लौटा देगा। दानिय यहेजकेल की तरह ही बंधुआई में था। इस पुस्तक में हमारे पास शेरों की मांद में दानिय और उसके 3 दोस्तों शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी है। आइए अब लघु भविष्यवक्ताओं को देखें। होशे ने इसराइल के उत्तरी राज्य के लोगों से परमेश्वर के पास लौटने की भविष्यवाणी की। योएल की पुस्तक का विषय प्रभु का दिन है, यानी न्याय का कोई भी समय जो परमेश्वर की अंतिम न्याय से पहले आता है। अमोस के लेखन का विषय सामाजिक न्याय है, वो गरीबों पर अत्याचार के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। वो सभी लोगों के लिए निष्पक्षता से चिंतित थे, जैसा कि परमेश्वर है। ओब्द्याह की किताब में केवल एक अध्याय है जिसमें केवल 21 छंद हैं। यह यहूदियों के एक शत्रु अदोम के नगर का विनाश बताता है। अदोम एक विदेशी राष्ट्र था जिसने यहूदा के दुर्भाग्य का लाभ उठाया, जिससे परमेश्वर क्रोधित हुआ। योना की पुस्तक का विषय है परमेश्वर किसी को भी क्षमा करने के लिए तैयार है। योना परमेश्वर से दूर भागता है क्योंकि वह नीनवे नामक पापी राष्ट्र को प्रचार नहीं करना चाहता था। मीका ने उत्तरी और दक्षिणी राज्य दोनों के लिए भविष्यवाणी की। मीका की एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी 5वें अध्याय के 2 में है। यह यीशु के जन्म के बारे में है। नहूम ने योना के समान नीनवे के लोगों से भविष्यवाणी की और उनके विनाश की घोषणा की। हबकूक का प्रारंभिक कथन है, हे प्रभु, कब तक? बाबुल द्वारा बंदी बनाए जाने से ठीक पहले
उसने यहूदियों के लिए भविष्यवाणी की थी। सपन्याह का संदेश यहूदा के दक्षिणी राज्य के लिए है। सपन्याह राजा योशियाह का चचेरा भाई था। जब वे बंधुवाई से लौटे तब हागे ने यरूशलेम में रहने वाले लोगों से भविष्यवाणी की। उनका संदेश था कि उन्हें परमेश्वर का मंदिर बनाने की जरूरत है। चकर्याह अक्सर आने वाले मसीहा को संदर्भित करता है, जो लोगों के बीच प्रेरणादायी आशा थी। मलाकी ने यरूशलेम के लोगों को लिखा। उनका उद्देश्य उनके पापों का सामना करना और उन्हें परमेश्वर में उनके विश्वास के लिए प्रेरित करना था। हमने पुराने नियम की सभी 39 पुस्तकों पर चर्चा की। आशा है कि आपको इन पुस्तकों के मुख्य विषयों के बारे में अच्छी जानकारी हो गई होगी। एक दूसरे से विदा होने से पहले आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और इस श्रृंखला में और अन्य विषयों पर भी और वीडियो देखने के लिए तैयार रहें। अंत में याद रखें, पुराने नियम का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि पुराना नियम और नया नियम मिलकर पवित्र बाइबल बनाते हैं। जब तक हम अगली मुलाकात न करें, परमेश्वर के आशीर्वाद से भरा समय बिताएं।